बार इनके फ्लैट में खाना मिल रहा है देखो। भैया ने क्या करवाया, इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ। ये ताकत से बनाई है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। क्या बात कर रही है? हाँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आजकल मेरे ब्लॉग की शुरुआत कॉलेज से ही हो रही है यार, कॉलेज शुरू हो गया एंड सुबह जल्दी की क्लासेस हो रही है, तो चुप कर इसे, मेरा ब्लॉग खराब कर रही है ये। सिरी चुप हो जाओ। ए सिरी एलेक्सा। दोस्तों पता है अब हमारे कॉलेज में ना वैसी एंट्री हो गई ना स्टिकर वाली, तो इन दोनों ने स्टिकर तो लगवा दिया, एंट्री हो गई। एंड पार्किंग देखो, हर दिन ये पार्किंग एंड तक भरी रहती थी और आज पूरी खाली हो गई। हम दो दिन हम बाहर रहे थे, अब वीआईपी एंट्री में खड़ी करी है यार। भाग इसमें भाग, अगर मेरे में इतनी जान होती यार, देखो ना जींस अंदर जाएगी ना फिर ऐसे। ओह माय गॉड, तेरी आउटफिट सुबह पानी भी लगाया करे तो तू भी दौड़। भैंस क्या कमर पास आ रहे हाय हाय, वही तो नितेश और देव हैं। अभी नहीं, नितेश और विपुल, तुम दोनों नितेश और विपुल। पता है अभी क्या हुआ यार, हमारी किस्मत ऐसी है ना, हमारा लास्ट सेमेस्टर बचा और अभी सारी चीजें हो रही है। मुझे मारेंगे पहले, फेस स्कैन वाला सिस्टम डाल दिया, बायोमेट्रिक वाला। ये कह रहे आई कार्ड को गले में डालो। नहीं मैं बताती हूं, जा जा। हम ना मस्त चलते आ रहे थे सड़क चारों, बातें करते करते एंड ना मार्शल ने रोक दिया, कहता आई कार्ड का है, और ये विपुल कह रहा गाड़ी में, जबकि इसका इसके पास है, हम तीनों का गाड़ी है। तुझे किसने कहा कि हमारा हमारे वो गाड़ी में रखा है, हमारा भी हमारे पास है, मैंने दिखाया नहीं। और ये कह रहे गले में टांगू, इसको गले में टांगू, इसका ना रिबन है ना इसका वो है। तूने अपना रिबन तो तूने तोड़ा, इसने पता मेरा रिबन भी तोड़ दिया। मम्मी अगर ये ब्लॉग देख रही हो तो सुई धागे से ऐसे में रस्सी बांध देना, मैं लटका दूंगा इसे। मैं भी हेलो, एक बात बताओ, स्कूल के बच्चे हैं क्या, हम जो गले में टांग के घूमेंगे? बोतल भी लाया करो, बोतल नहीं टांगते वो गले में। कुष्ठामाद एमिटी में यूनिफॉर्म भी होने वाली है, कुछ हमें कह रहे गले में टांग के घुमा करो इसको, बता उसको छोड़ स्कूल के बच्चों की तरह। आगे टांग आगे टीचर बैठे और हम पीछे ना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। देखो मतलब मैं वही कह रही हूँ, देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभी। और देव को देखो कैसी सीट पर बैठा हुआ है, ये छोटा बच्चा सा। दोस्तों अभी अभी गाने का टीजर आ गया है एंड मैं इन लोगों को दिखाती हूँ टीजर। टीजर नहीं देखते हम, पूरी पूरा गाना देखेंगे टीजर। टीजर में टीजर टीजर नहीं टीजर टीजर। अभी 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 हमने टीजर देखा, कैसा लगा टीजर? बहुत प्यारा था ना, एकदम एकदम। तुझे कैसा लगा टीजर? बढ़िया था। हेलो दोस्तों, आज जैसे ही मैं ब्लॉग चालू करती हूँ ये ऐसे करता है। अरे मैं करता हूँ ये रोड पे बजे भाई, मेरी क्या गलती है जो है। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन, जैसे ही ने बोला फिर रिपीट करा दिया और अब तू बोल गया। ओ सॉरी, बोल तो, बोल तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और आज 11 बजे क्या होने वाला है? 11 बजे होने वाला है? हाँ। तू बेवकूफ है, अगर 11 बजे होने वाला, तूने स्नैप पे 2 बजे लिख के डाला है। मैंने 2 बजे लिख के डाला है? ब्लॉग आ रहा है तेरा, 2 बजे लिख के डाला है। मैंने गलती से गलत स्नैप, अरे अभी चेंज करती हूं। देख रहे हो कितनी ज्यादा एक्टिव रहती है ये, दिमाग से बहुत एक्टिव रहती हूँ। यू नो मेरा दिमाग हमेशा चलता रहता है ना, तो जिन जो लोग क्रिएटिव होते हैं ना उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इधर उधर, है ना। अब तुम जैसे लोगों को क्या पता क्रिएटिव होने का दर्द। नहीं वैसे ये भी बहुत क्रिएटिव है। तो मेरे स्केच कब बना रहा है? ऐसा कुछ बता गया, स्केच बना दूंगा, कमेंट अगर हुए जितने स्केच के लिए, अगर लोगों ने बोला तो बना दूंगा पक्का। चलो ठीक है, चलो ठीक है, 30 कमेंट ज्यादा नहीं करना, ना मेरा 30। अगर 30 कमेंट आ गए बनाने के लिए, स्केच बनाओ, 30 आ गए तो मैं बना दूंगा, और 30 नहीं आए तो तू चुप हो जाइयो। दोस्तों यार कर लेना कमेंट, इसके पीछे ना मैं कब से पढ़ी हूँ, मतलब जब से कॉलेज खुले तब से मैं इसके पीछे पढ़ी हूँ। प्लीज मेरा एक स्केच बना दे, कमेंट कर दो यार ताकि मेरा भी स्केच बना दे। तो दोस्तों बस 7 मिनट में मेरा दूसरा म्यूजिक वीडियो आने वाला है, अभी ना हम क्लास में थोड़ा सा वीडियो देखेंगे फिर इनके रिव्यूज लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो मैं आप लोगों को एक मस्त अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कमेंट भी पिन कर रखा है। तो जाइए पहले चैनल ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में। अबे वाइन है वो, वाइन वाइन बोलते हैं उसे। कैसा लगा वीडियो? अच्छा था ना, नाइस वन, थैंक यू। आप लोग भी देखो जाके, गाना तो गप ना नया वाला। तो दोस्तों कॉलेज के बाद मैं आ चुकी हूँ इन लोगों के नए फ्लैट में और यहाँ पे कोई है ही नहीं, सिर्फ प्रीतिश भैया है। हेलो प्रीतिश भैया, ये देखो ये सामान भी ले आए आप इधर।
फीलिंग के प्राउड इंडियन भाई। अभी तो आप वो बोलो ना जय श्री राम के नारे तो हर जगह लग रहे होंगे। और अभी आदर्श और अनुश्री दीदी भी नहीं है घर पे। और आपने म्यूजिक वीडियो देख लिया? देख तो लिया, हमने कल साथ में ही देखा था। कैसा लगा भाई? मस्त एक्टिंग कर लिया ना मैंने। वो जो नाराज होने वाला सीन जो तुम स्टार्टिंग में देख सकते हो, जो फेस बनाया है इसने, वो फेस देख के तो मैं मजाक का टाइम नहीं है। नहीं नहीं अच्छा अच्छा अच्छी एक्टिंग थी यार। मैं डायलॉग बोलाया हूं ना, आपको क्या लगा? बट यार एक्टिंग तो अच्छी कर लेती है ना। थोड़ी थोड़ी बहुत मैंने जो सिखाए हैं गुण आ रहे हैं भाई, भैया के गुण आ रहे हैं मेरे पे। भैया से ही तो टिप्स लेके गई थी मैं, वरना मैं कहाँ कर पाती मैं बेचारी छोटी सी बच्ची। और आज तेरे घर में खाना भी बन रहा है तो अभी थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगी। अभी मैं और प्रीतिश भाई टाइम पास के लिए क्या खेलेंगे भैया? झिंगा खेलेंगे। झिंगा झिंगा तो बोलते हैं शायद, झिंगा झुंगा लगी हुई है। झिंगा भी तो बोलते हैं इसको शायद। जे कमेंट में बताना क्या बोलते हैं इसको। अभी हम झिंगा खेलते हैं थोड़ी देर जब तक ये लोग आते हैं। रुको रुको रुको, इतना हार्ड काम कर रही हूँ मैं। कैमरा भी पकड़ा मैंने। ये तो गिर जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्या मैं बाहर गया, इसने तो पूरा झींगा का गिंगा कर दिया। अरे लकड़ी खराब है, ये स्मूथ नहीं है पता। अच्छा अच्छा, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा आंगन। जीभ लड़खड़ाती है, मैं गड़वा लियो ना तो हमारी थोड़े मड़कती रहती है। आपकी आवाज से टूटा वो? ओहो भाई मैं ही हूँ ना। प्रीतिश भैया चिल्लाए वहां से गिर जाओ और ये गिर गया। तो भाई तो वो खेलना ही नहीं है गेम। सस्ता झींगा ले आए वो, पता नहीं क्या नाम, स्टैकिंग टावर बोल भाई। बस तुझे पता नहीं कपड़े लेने के पैसे नहीं है। मैं भैया को जल्दी ना कपड़े दिलाने वाली हूँ बहुत तगड़े। अरे हाँ प्रीतिश भैया, आपके साथ कर दो सेइंग यस टू प्रीतिश भैया फॉर 24 आवर्स। भाई कर दो कमेंट है, अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो मैं प्रीतिश भैया के साथ भी चैलेंज करूंगी। भैया को प्रिंस ट्रीटमेंट मिलेगा, किंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दे दो भाई मुझे, ट्रीटमेंट दोस्तों। मैंने और प्रीतिश भैया ने ना घर बनाने के कंपटीशन कर रहे थे। देखो मेरा घर देखो क्या मस्त बन रहा है, मैंने इसका रास्ता बनाती हूँ भाई मैं। और भैया का घर देखो, ये कोई घर हुआ? तू 2D में बना रही है, मैं 3D में बना रहा हूँ ठीक है। ये कोई बात हमने डिसाइड ही नहीं करा था, 2D में बनाने 3D में बनाने, ये तो दिमाग का खेल होता है ना, दिमाग का। मेरे पे रहेगा क्या क्या लकड़ियां रहेंगी उसमें, जगह तो है नहीं। मैंने देख क्या छत बनाई है, वाओ भाई मॉडर्न फ्लैट है मेरा, देख रहे हो एकदम मेरे प्यार की ताकत से बनाया ये घर, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। क्या बात कर रही है? प्यार पे उंगली उठाने वालों के साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों मैं पिछले एक घंटे से इधर आ रखी हूँ और ये लोग अब आए हैं। हेलो हेलो, क्या हालचाल? बढ़िया, आप बताओ। पका दिया है। मैंने पकाया नहीं, हम घर बना रहे थे अपना अपना। ये लकड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। मैं घर बना रहा हूँ और एक घर तोड़ रही है। आपने मेरा घर तोड़ा पहले, मैंने इतना बढ़िया घर बनाया था ना, मेरा घर चलने फिरने वाला घर था, उसके पैर भी थे और हाथ भी थे। थे नहीं बताओ दोस्तों। आज पहली बार इनके फ्लैट में खाना मिल रहा है, देखो डेली मिलेगा। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद ये लोग बैडमिंटन खेलने आ गए हैं। कल या परसों इन लोगों का टूर्नामेंट भी है। सैटरडे को ठीक शाम 7 बजे प्रीतिश भैया के इंस्टाग्राम पे लाइव, आदर्श वर्सेस प्रीति, और 1,00,000 रुपए की शर्त है। भैया आपको बहुत ही बुरा खेल रहे हो, तब से इतनी बार देख लिया मैंने प्रीतिश भैया। अबे आउट है। अच्छा रूल तो पता है नहीं। ओ यो अब आप नाचो। दोस्तों अनुश्री दीदी भी आ चुकी है अपनी शिफ्ट खत्म करके, एंड हम लोग इनका मैच जज करेंगे अब। हम तो एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि है ना। दोस्तों प्रीतिश भैया का परसों टूर्नामेंट है और भैया इतना गंदा खेल रहे हैं ना, एंड नाक कटा दो भैया आप तो मेरी। कोई बात नहीं यार दोस्तों, मेरे लिए प्रेयर करो। तो दोस्तों हमने ना शॉपिंग करी भी बहुत सारी, आज मैं प्रीतिश भाई को ट्रीट दे रही हूँ। हम दोनों जा रहे हैं आज हेयर स्पा कराने, डैंड्रफ हो रखा हम दोनों के सर में बहुत ज्यादा। पहली बार करा रही हूँ हेयर स्पा, मैंने आज तक नहीं कराया। और भैया आपने कराया है? नहीं, महंगे सलून में जाके सस्ता सा स्पा करवा के, सस्ता सबसे सस्ता स्पा करवा के आएंगे। प्रीतिश भैया कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड लाइक अ किंग। भैया को आज प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही हूँ मैं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या? यस मेरी प्रिंसेस हो आप, बुल्ली छोटी बहन। यह फुल प्रीतिश भैया, कब से नहीं नहाए थे आप? बाल कब से नहीं धोए थे आपने? सालों से नहीं धोए थे दोस्तों, मेरे पास अपने खरीदने के पैसे नहीं। धीरे धीरे सारे वसूल लूंगा ना अभी, फिर H&M, Zara,
क्या मस्त लग रही थी भैया। हाय गर्ल्स, नीतीश भैया को देखना भैया ने क्या करवाया। इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ थोड़ा। या व्हाट अ हेयर स्टाइल। आगे बात सीधी। तो प्रीतिश भाई कैसा लगा स्पा? भाई मजा आ गया। जो मजा आया मतलब पहली बार था, मेरा तो पहली बार था स्पा का एक्सपीरियंस। प्रीतिश भाई आपका? मेरा भी मजा आया। बाल इतने सॉफ्ट सॉफ्ट, और प्रीतिश भाई के बाल हमेशा झाड़ू जैसे रहते, तो उनके सॉफ्ट हो रखे भाई साहब। पर अबे यार वो समय कराना था ना जब बड़े बाल थे। पर आपका हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है, कुछ भी बोले। इधर देखो पता है भैया कैसे लग रहे हैं? शक्ल लगा बूम बूम की पेंसिल जैसे। तुम बताओ कैसे लग रहे हैं? मस्त लग रहे हैं ना। और मैं अभी मेरे तो सिल्क स्मूथ बाल हो गए। से बाल से हर महीने कटेंगे। यस, पैसे बचा के स्पा करेंगे। यस, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है बट स्पा करेंगे। हमने मार्केट से सामान लेके आए थे भैया के लिए, नई कंबल लेके आए थे। घर जाके देखा कंबल जली हुई, पूरी जली हुई आधे से ज्यादा। अभी फिर हमको ना चेंज कराने आना पड़ा। पर अभी हम लोग आए, फिर हमने सोचा जब बाहर आई गए तो पहले चाय पिएंगे। अपन को देना दो दो ग्लास चाय। ये बड़े लोग भाई, आज तो फुल बार्गेनिंग मोड था मेरा। 300 रुपए का ही नहीं था, ठीक है। 300 रुपए की चप्पल को मैं 270 रुपए में लाया हूं। भैया तो पता कैसे है, अभी हम ना हेयर स्पा कराने गए तो मैंने कहा थोड़ा डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना, पहली बार करा रहे। भैया चुप, कह रहे मत देना इसको डिस्काउंट, ये मेरा पैसा दे रही है। बोली इसमें ऐसे कौन बोलते हैं भाई, हम तो चाहेंगे ना जितना खर्चा करवाएं बहन का। नहीं भैया बर्थडे आ रहा है तब करेगी ऐश है। भैया बर्थडे आ रहा है मेरा, ठीक है भाई सुन लिया मैंने, और कितनी बार सुनाएगी। सोच लो मोटा खर्चा, ठीक। सबको बता रही है जानबूझ के, ये ट्रिक होती है ताकि तुम इसको विश विश करो। पर किसी ने अगर मेरा सबसे पहला व्लॉग देखा होगा ना, वो मेरा बर्थडे व्लॉग ही था, उससे पता लग जाएगा आप लोगों को कितनी एक्साइटेड रहती हूँ मैं अपने बर्थडे के लिए। तो बहुत खाना क्या कर रही है दोस्तों, दोस्तों बहुत खाना ढूंढने के बाद हमें आखिर में मिला डोसा। वे क्या कर रहे हो मोमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ एंड मजा आया यार, आज का दिन बढ़िया था। और बाकी म्यूजिक वीडियो भी आज आया हमारा, आप लोगों ने तो अभी तक देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखे वो भी जाके देखिए, बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक वीडियो है। रील्स बनाइए एंड गाना सुनते रहिए, पार्ट वन भी एंड पार्ट टू भी, और ऐसे प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो दोस्तों आज के व्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। एंड जिस चैनल के बारे में मैंने आपको बताया था उसे ज्वाइन करना मत भूलना, तो जाइए अभी ज्वाइन कीजिए।